जदों थोड़ा होर बोल दे पोचे बिच झांजरा दे भोर बोल दे अज तक नैन छिले छिले वेख ले तारे अज जुती उत्ते थले वेख ले फिक्के जे फरोजी कित्थों आंदे होए आला विच उलझे पर आंदे होए सब कुछ चेते हर गल कौली नी कदों कदों तेज कदों तुरे हौली नी देख ले तेनू बड़ा जी पर के रह गया ने बस कलावा सोनी है तो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और अब यहाँ से हमारी जर्नी होती है शुरू स्टार्ट। अब तक आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि भाई हम लोग कितना स्ट्रगल करके कितना परेशानियों से आए हैं। बहुत ऑफ रोड है, तगड़ी वाली ऑफ रोड है। अगर बाइक की ऐसी तैसी करानी है तो लेके आओ, अगर नहीं करानी तो यहाँ पे आना। सॉरी फॉर विंड ब्लास्ट भाई, विंड ब्लास्ट आ रहा हो तो आ रहा है वो, क्योंकि हवा चल रही है। यहाँ पे पहाड़ों में है, आप लोग देख पा रहे होंगे, पहाड़ी पहाड़ है इस साइड। ऑलमोस्ट अपनी लोकेशन पे आ गए हैं, पर भाई बहुत तगड़ा ऑफ रोड करना पड़ता है, बहुत तगड़ा ऑफ रोड। लिटरली यार इतना ऑफ रोड कभी नहीं किया, लद्दाख में इतना नहीं कर पाएंगे जितना आप कर रहे हैं। मेरे तो स्टैंड की भी बज गई भाई। और इधर हमारा वाटरफॉल होगा ऑब्वियसली बात है। और बाइक भाई यहीं तक रहेंगी, आगे बाइक नहीं जा पाएंगी। तो ये आप बाइक देख रहे हो, यहीं तक बाइक्स रहेंगी। भाई मेरी बाइक का तो स्टैंड भी टूट गया, स्टैंड टूट गया। सबसे नुकसान अभी तक हुआ है हमारे विवेक भैया का ही हुआ है। और हमारे पास एक छोटू गाइड भी है। छोटू गाइड वाले इधर आओ भाई, हमने एक गाइड रख रखा है, छोटू गाइड। नाम बताया तू अपना? रिंकू का। रिंकू को नाम भी तो कुछ होगा भैया। रिंकू मीना। अच्छा यहाँ सम्मी नहीं होते हैं तो भाई अभी वीडियो पर कनेक्ट रहो और देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिलता है। बट जंगल में से होके जा रहे हैं, लगता है जंगल सफारी करनी पड़ेगी। सफारी है बस, ये यहाँ पर जानवर नहीं है कोई। भाई रिस्की तो है, पर भाई बारिश में आना रिस्की है, पर बारिश में। ये देखो भाई कितना खाई वाला एरिया है। तो अभी आपको दूसरे कैमरे से दिखाते हैं कितना स्ट्रगल है, ठीक है भैया। एम्बुलेंस आ ही नहीं पाएगी। अरे रिंकू भैया हमारे साथ चलो यार, हमने तुम हायर किए हो यार, तुम ऐसे जा रहे हो अकेले अकेले। भैया सब ब्लॉगर हैं यहाँ पे, आ जा बेटा आ जा। अरुण भाई भाई सर वो मंदिर है उधर, सर हम उधर जाएंगे नहीं, मजा आ गया। और ये भाई आ रहे हैं हमारे आबिद भाई, द फर्स्ट यूट्यूबर आगरा। घोड़ा छोड़ो भाई, अब एक चीज और दिखाऊं। अरुण भाई आपने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, पर एक बार ऊपर नजर डाल के तो देखो क्या मस्त। मैं नहीं देखा, मैं देख लिया मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां। तो गाइस अभी यहां से उतर के चल रहे हैं जाने के लिए। सबसे बड़ा है ये लोअर पॉइंट पे आ चुके हैं, देखो पीछे पानी आ चुका है, हालत देखे दिख रहा होगा। एक पहाड़ नीचे उतर के आए हैं, और पहाड़ उतर के आए भाई नीचे तो थक बहुत कर रहे हैं। सर बदबू कैसी आ रही है? सर मछलियों की बदबू आ रही है यहाँ पे, मतलब मरी है वो, मरी है जिंदगी, आई डोंट नो। तो अभी हम चलते हैं भाई उधर की साइड में। ओ सर मरी पड़ी है। हाँ ये देखो। तो भाई अब आपको व्यू दिखाता हूँ। देख ले फिक्के जे फरोजी कित्थों आंदे होए आला विच उलझे पर आंदे होए सब कुछ चेते हर गल कौली नी कदों कदों तेज कदों तुरे हौली नी देख
लिया तेन बड़ा जी पर के रह गया ने बस कलाव सुनी है तेरे को सुनिए सच सोना तेरा पर छावा सुनिए तेरे को आवा सुनिए सत सोना तेरा पर छावा सुनिए देखो भाई यहाँ पे उतर गए सबकी क्या हो गई बैंड बज गई अभी वर्ड कुछ और थे वर्ड कुछ और थे भाई मैं सब तो गाइस अब मैं पहाड़ से उतर के नीचे जा रहा हूँ देखो लोकेशन अल्टीमेट है स्किप मत करना ये देखो और भाई सर हम भी आ रहे हैं ये लो इस जगह जाना है हमें पानी में तो अब सारी गल तेरे उत्ते छड़ी देख ले हिली उत्ते टिकी जे में हट्टी देख ले जुगनू हजे ही तेरी चाल लगदी तेरी हर अदावा कमाल लगदी ते आज तो मैं तेरे कोल टुट के पलका दिया तू करी छावा सोनी है तेरे कोले आवा सोनी है सच सोना तेरा पर छावा सोनी है तेरे कोले आवा सोनी है सच सोना तेरा पर छावा सोनी है गाइस अब तक जितना आपने व्लॉग देखा और उसमें आपने एक चीज़ तो समझ ली होगी भाई जगह अल्टीमेट है बट इसमें थोड़ा सा इशू है कि आपको सीज़न के अकॉर्डिंग आना होता है आप इसमें अगर सीज़न जैसे रेनी सीज़न में आते हो तो आपको यहाँ पानी और झरना तेज़ मिलेगा हमें बहुत स्लो मिला है झरना पर अगर आपको आना है अगर फुल टू मतलब अच्छे लेवल का पानी देखना है बट नहाना नहीं है तो आप आइए रेनी सीज़न में बट अगर आपको सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए आना है तो आप किसी भी सीज़न में आ सकते हो भाई कम पानी है पीछे लोग नहा रहे हैं पानी हल्का हल्का है ऐसा नहीं है बंद है बट फिर भी ठीक है मतलब ज़्यादा हाई नहीं है ज़्यादा लो नहीं है पर भाई आपको मनाली जाने से बढ़िया है एक दिन आओ टाइम निकालो एंजॉय करो वापस घर तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग तो ये अच्छा है बाकी थोड़ा सा ह्यूमिड हो रहा है बट कोई नहीं लोकेशन बहुत प्यारी है बट कुछ लोगों ने यहाँ गंद खराब कर रखी है पर उसको मैं नाम नहीं लूँगा और बाकी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करना कुछ भी करो एक छोटा मोटा कमेंट कर ही दिया करो भाई अच्छा बुरा बेकार गंदा अच्छा बेकार परफेक्ट कुछ भी करो पर जैसा वीडियो देख के लगे कि कर दो वीडियो को स्किप मत करो शेयर कर दो वीडियो को एक बंदा शेयर करेगा तो भी भाई बहुत वीडियो वायरल हो सकती है तो भाई प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को बाकी अभी आप निकलते हैं बाहर और क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या मज़ा आता है वो भी बताएंगे आवेद भाई क्यों परेशान हो परेशान नहीं हूँ भाई लोकेशन एकदम मस्त है बढ़िया है तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट करना और इसके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे भी कर लेना सब्सक्राइब भाई बहुत अच्छी जगह है यार सब्सक्राइब कर लेना और हल्की हल्की बूंद हो रही है बारिश की वो लग रही है मुझे ये देखो मेरे गीले हाथ हो रहे हैं हल्के हल्के पर एक पीस ऑफ माइंड है मतलब यहाँ पे पैरों में देखो हम रिलैक्स डाल के बैठे हुए हैं मतलब इतना मजा आ रहा है भाई रिलैक्सिंग मूवमेंट जी रहे हैं हम लोग और ये हमारे अरुण भाई बोल रहे हैं भैया ज्यादा मत नहाओ नहीं तो यहीं डूब जाओगे बचाएंगे भी नहीं। और भाई ऐसी बात नहीं है हमने अपने चारों तरफ आदमी फैला रखे हैं देखो दो वो बैठे हैं अरे मगरमच्छ इधर है हाय कर दो हेलो हाँ भैया इतना डर गया कि पीछे मगरमच्छ है भैया ऐसा नहीं है भैया यहाँ मगरमच्छ आएगा कहाँ से जी बात भी सही है तो चलो भाई अब थोड़ा सा इसमें से निकलेंगे बाहर और थोड़ा सा बाहर जाके चेक करेंगे थोड़ा रिलैक्स ले लें फिर पैरों को तो जब निकलेंगे बाहर तब आपसे कनेक्ट करते हैं तो गाइस अभी दमो से बाहर निकल चुके हैं दमो ने व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी गाड़ी दो तीन बार फॉल डाउन हो चुकी है तो उस वजह से मैंने व्लॉग नहीं किया और सबसे बड़ी बात अब यहाँ से घर जाने की जल्दी है हमें भी क्योंकि हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो जल्दी हाईवे पे पकड़ेंगे तो यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा हाईवे को टच करते हैं तब जाके कंटिन्यू करेंगे जैसा कि भाई लोग दोस्तों का वेट कर रहे थे और भाई लोग सारे आ गए अब भाइयों से कहूँगा तुम आगे चलो मैं पीछे चलूँगा क्योंकि अगर मैं आगे चलता हूँ तो ये लोग पीछे रह जाते हैं और भाई गर्मी बहुत है यार
वहाँ गर्मी कम लग रही थी पर ह्यूमिड ज़्यादा थी वहाँ, यहाँ ह्यूमिड कम है गर्मी ज़्यादा है। तो गाइस आगरा आ चुके हैं, अब यहाँ से चलते हैं भगवान टाकिस जहाँ सारे लोग मिल के वीडियो एंड करेंगे और सबसे सी ऑफ करते हैं। बट आज के ब्लॉग में भाई मज़ा आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना, तबाही मचा देना वीडियो पे, लाइक शेयर कमेंट कर देना, कमेंट ज़रूर किया करो, बाकी बताया करो कि वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बेकार लगा, एटलीस्ट कुछ भी कमेंट करो, पर कमेंट करके बताओ तो सही कि क्या अच्छा लगा भाई। तो गाइस फाइनली भगवान टाकिस आ गया और अब यहाँ से जा रहे हैं हम अपने सारे दोस्तों से मिलने और आपसे एक अलविदा लेने के लिए, ताकि एक और अच्छे से व्लॉग में मिल पाएँ। अभी सी ऑफ करेंगे सबको, बड़ा पूरा दिन लग गया भाई व्लॉग शूट करने में, मतलब सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं और अभी बजा हुआ है आपके। मेरे कैसे? बढ़िया भाई, पहचाना? अरे यार पहचानूंगा नहीं, और पीछा करता भाग रहा हूँ, पहचानूंगा नहीं। ये हमारे मैंने UPSC। अच्छा अच्छा सही है सही है। अभी ब्लॉक करके ही तो आ रहे हैं। अच्छा ब्लॉक करके आ रहे हैं। यार क्या ये लास्ट टाइम है ब्लॉक का, पूरा ब्लॉक करके सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं। अच्छा अरे यार मैं भगा रहा था, कहीं मेरी कहाँ भग रही है। अच्छा यार क्या सोच रहा हूँ मैं कि किसी ने मैं एकदम से बाइक बोल रहा है, मतलब कोई भैया ऐसे है कि बाइक लगा साइड में, मिरर भी नहीं है। हाँ ये क्या, तो पहलवान भैया। अच्छा आजकल आगरा में बहुत घूम रहे हो, क्या बात है? अरे भाई बन के कांग्रेचुलेशन, कैसे हो? ये भाई भी आए, सब सब लोग भाई मस्त, बहुत अल्टीमेट जगह थी भाई साहब। नहीं है मुझे भी जाना यार। अरे तो चलते हैं यार, आज क्या था थोड़ा मेरे पास ऊपर प्रेशर था। अच्छा हाँ। पर यार लोकेशन अच्छी है जाने के लायक, बस एक ही चीज की दिक्कत है, पानी पीने की। हाँ वहाँ तो बहुत पानी है पर वो पीने लायक नहीं है, नहीं है। वैसे गाइस आप लोगों ने पहचान लिया होगा तो पहचान लो, ये योगेश भाई योगेश बाउंसर ब्लॉग्स के नाम से फेमस है और इनका चैनल हमने एक बार बताया भी था डिस्क्रिप्शन में। और भाई लोगों मेरा चैनल का भी ध्यान रखना यार। अरे बोलो, खुला बोलो भाई बन चुके हैं भाई। हाँ। अपने फैमिली मेंबर्स भाई सब जगह फैले हुए हैं, अब मिलते रहते हैं। भैया ने बाइक देख के पहचान लिया, बाइक देख के तो पहचाना मैंने। मैं तभी कह रहा अरुण भाई को कौन रोक रहा भाई, गलती होगी साइड में लगा गाड़ी। सही है भाई सही है। अब यहाँ पे आके व्लॉग एंड करते हैं और बाकी सब लोग अपने अपने घर जाएंगे सेफ साइड। अरुण भाई को भी बाय बाय कर देते हैं भाई, आयुष भाई को भी बाय बाय कर देते हैं भाई, और भाई घर पहुँच के सेफ करना। ड्यूटी लगी है आज। तो भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। बाय बाय।